हे गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने आईफोन का आईक्लाउड एक्टिवेशन लॉक किस तरह रिमूव कर सकते हैं। अगर आप अपने आईक्लाउड का पासवर्ड भूल गए हैं या फिर आपने आईफोन कहीं से परचेस किया है और उस पर आईक्लाउड की आईडी लगी है जिसके पासवर्ड का आपको नहीं पता, तो आप बहुत ही आसानी से आईक्लाउड का पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ULT फोन एक्टिवेशन अनलॉकर को। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएं और यहां पर आप देख सकते हैं रिमूव एक्टिवेशन लॉक विदाउट प्रीवियस ओनर। इसके अलावा ये iOS 12 से लेकर iOS 14 तक सपोर्ट करता है और ये विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। यहाँ फ्री डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें और इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर इसके दो ऑप्शन हैं, रिमूव आईक्लाउड एक्टिवेशन लॉक और टर्न ऑफ फाइंड माई आईफोन। इसके मदद से आप फाइंड माई आईफोन को भी ऑफ कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड। तो आईक्लाउड एक्टिवेशन लॉक रिमूव करने के लिए यहाँ से रिमूव आईक्लाउड एक्टिवेशन लॉक को चूज़ करें और उसके बाद स्टार्ट के बटन पर क्लिक करें। यहाँ से तमाम एग्रीमेंट आप रीड कर लें और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दें। अपने आईफोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट करें तो ये सबसे पहले आपके आईफोन को जेल ब्रेक करेगा। तो इसके लिए आपका फ़ोन जेल ब्रेक होना चाहिए। अगर आपका आईफोन जेल ब्रेक नहीं तो यहाँ पर ये सबसे पहले उसका टूल डाउनलोड करेगा। तो अपने कंप्यूटर के साथ USB फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करें और उसके बाद स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें। तो ये आपके USB फ्लैश ड्राइव में जेलब्रेक टूल को इंस्टॉल करने लग जाएगा। यहाँ पर 3 से 4 मिनट लेगा, यहाँ पर कुछ वेट करें और इसके बाद आपको ये जेलब्रेक करने के लिए कुछ गाइड फ्राहम करेगा जिसमें स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 शामिल हैं। तो यहाँ पर आप इसके तमाम स्टेप्स को देख सकते हैं या फिर अगर आप यहां से QR कोड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास QR कोड शो होगा। आप अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करें तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां पर जेल ब्रेक करने का तमाम तरीका होगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें और इसके बाद आप अपने कंप्यूटर के बूट ऑप्शन में आ जाएं और यहाँ से USB फ्लैश ड्राइव को फर्स्ट पे सिलेक्ट करें और उसके बाद ऑप्शंस के बटन पर क्लिक करें और यहाँ से अलो अनटेस्टेड iOS iPad वर्जन को सिलेक्ट कर लें और इसके बाद बैक आ जाएं और यहाँ से स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें। तो यह आपके आईफोन को रिकवरी मोड में ऑन करेगा। यहाँ से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें और उसके बाद फिर स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें तो आपका आईफोन रिकवरी मोड में ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके आईफोन को DFU मोड में ऑन करने का बोलेगा। यहाँ पर इसका तरीका दिया गया है, अपने आईफोन का साइड बटन और वॉल्यूम डाउन बटन कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखें, फिर साइड बटन छोड़ दें और वॉल्यूम डाउन बटन को 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखें तो आपका आईफोन DFU मोड में ऑन हो जाएगा और उसके बाद ये जेल ब्रेक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ ही सेकेंड्स में आपका आईफोन जेल ब्रेक हो जाएगा। तो अब आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें और इस सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन करें। तो अब आप जब स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिवाइस इंफॉर्मेशन शो करेगा। यहाँ से स्टार्ट रिमूव के बटन पर क्लिक कर दें तो कुछ ही सेकंड्स में आईक्लाउड एक्टिवेशन लॉक रिमूव हो जाएगा। तो इसकी मदद से आप आईफोन के तमाम फंक्शंस यूज़ कर सकेंगे, लेकिन आपके फ़ोन में मौजूद सिम नहीं चलेगी। मगर आप वाईफाई को यूज़ करते हुए उसमें तमाम ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।